हेलो गाइस, माय नेम इज़ अखिल चौधरी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, ये मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट वीडियो है जो कि मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस पे एक वीडियो बनाओ जो कि बहुत 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 शॉर्ट होना चाहिए। सो दोस्तों, ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने सारा नोट्स पहले से लिख के रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं किसी के रेसिडेंशियल स्टेटस। ये आपको पता होगा, अगर आप टेक्स्ट पढ़ते होंगे तो आपको पता है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। जब भी हम किसी एसएससी या किसी टैक्स पेयर, यू बोले किसी टैक्स पेयर का जो हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं या फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस पे उसका टैक्स लाइबिलिटी या फिर उसका ग्रॉस टोटल इनकम चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल दो तरह के होते हैं, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल कितने तरह के हो गए, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, फर्दर अगर मैं बात करूं तो रेसिडेंट दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, फिर से देखिए, इंडिविजुअल दो तरह के, रेसिडेंट इंडिविजुअल कितने तरह के, दो तरह के, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एंड फर्दर रेजिडेंट कितने तरह के, दो तरह के, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ हम देखें तो एक तो हो गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है, कितने हो गए, एक ये एंड देन ये। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे शायद आपको एक टेबल दिख रहा होगा। हाँ चलिए, तो इसमें क्या होते हैं, दो तरह के कंडीशंस होते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक कंडीशन होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, एडिशनल कंडीशन होते हैं। मैं आपको कंडीशंस इसके बाद बताऊंगा, पहले आप इसको देख लें। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन होते हैं और एडिशनल में भी कितने होते हैं, दो कंडीशन होते हैं। ये मैंने तीनों के नाम लिख लिए हैं जो ऊपर चार्ट से था, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ओके, सो अगर कोई बेसिक का कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कितने, अगर कोई बेसिक कंडीशंस की कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे और एडिशनल के दोनों, इट मीन्स बेसिक के कोई एक और एडिशनल के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, अगर कोई बेसिक का एक, एटलीस्ट वन, और एडिशनल का वन और नन, या तो एक या कोई भी नहीं, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, और अगर कोई आदमी बेसिक कंडीशन का कोई भी एक भी सेटिस्फाई ना करे, इट मीन्स मस्ट नॉट सेटिस्फाई आइदर ऑफ द बेसिक ऑफ कंडीशन, मतलब बेसिक कंडीशंस में दो कंडीशन होते हैं और वो दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेसिडेंट कहते हैं। ओके, और अगर कोई बेसिक का दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई ना करे, तो उसका हम एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करते हैं और यहाँ पे वो इररिलेवेंट हो जाता है, इसलिए मैंने क्रॉस 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 कर दिया है। सो अगर मैं ऊपर से एक बार देखूँ तो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहा हूँ, इंडिविजुअल कितने तरह के, दो तरह के, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट फर्दर दो तरह के, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये कैसे डिसाइड करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके लिए एक चार्ट था जिसमें बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस दोनों होते हैं, कौन कितने सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस तय होता है। तो अब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे बेसिक कंडीशंस क्या है और एडिशनल कंडीशंस क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, मैं यहाँ पहले से लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए पहले हम देखते हैं बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन मैंने बताया था, बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है, सो दोनों को बारी बारी से देखते हैं। पहले कंडीशन में है मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया, मतलब वो जो भी हो, ठीक है, वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, कितने दिनों के लिए, 182 डेज और मोर, मतलब वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए 182 डेज और मोर, मतलब 182 दिन या उससे ज़्यादा। कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो बेसिक कंडीशंस का पहला कंडीशन क्या हो गया कि वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और सेकंड में क्या है, तो मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया,
चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए 60 days और मोर, ओके 60 दिन या उससे ज़्यादा, कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। चलिए ये भी उसी टाइप का है कि 60 days और मोर होना चाहिए, कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, बट यहाँ एंड लगा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन सिंगल कंडीशन था तो मैंने समझ गया कि क्या था, 182 days और मोर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, ठीक है, बट सेकेंड में एक तो 60 days और मोर है ही, उसके साथ एंड लगा है, ठीक है, और एंड का मतलब वो पता है कि एंड का मतलब प्लस होता है, मतलब सेकेंड वाले में दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सेकेंड वन इज 365 days और मोर ड्यूरिंग द फोर इमीडिएट, ठीक है, ड्यूरिंग द फोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ओके, मतलब पिछले 4 सालों, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के पिछले इमीडिएट प्रीसीडिंग 4 ईयर में कितने दिन, 365 days और मोर। सो बेसिक में दो कंडीशन आया, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, 182 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड सेकेंड में दो कंडीशन है जिसमें क्या है 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और क्या है 365 days और मोर ड्यूरिंग द 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सो मेरे ख्याल से आप लोग को बेसिक कंडीशन समझ में आ गए होंगे। अब एडिशनल कंडीशन में भी कितने हैं, दो ही कंडीशन है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन का पहला है ही इज, ठीक है, ही इज रेसिडेंट, वो रेसिडेंट होना चाहिए इन एटलीस्ट 2 out of 10, मतलब 2 out of 10, आउट ऑफ 10 क्या, द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 previous year में कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और इसका सेकेंड कंडीशन क्या, एडिशनल का सेकेंड कंडीशन हिज स्टे इन इंडिया, उसका स्टे होना चाहिए कहाँ, इंडिया में कितने दिनों का, तो 730, मतलब 730 दिन या उससे ज़्यादा, कब, इन द लास्ट 7 year, ठीक है, इन द लास्ट 7 year प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के 7 preceding year में कितने दिन, 730 days और मोर। सो अगर मैं फिर से बात करूं तो बेसिक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर एडिशनल कंडीशन में भी दो कंडीशन है, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। आप फिर से कंडीशन को रीड करेंगे आपको पक्का समझ में आएगा, और ये वीडियो मुझे बहुत बहुत ही शॉर्ट बनाना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, ओके। फिर से अगर मैं टेबल की देखूँ तो बेसिक मैंने दो कंडीशन देखा था, क्या सब, एक तो 182 days और मोर था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और एक 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 365 days और मोर कब, ड्यूरिंग द 4 immediate प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सो अगर इस दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई किया, ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, और साथ में ही दोनों एडिशनल होने चाहिए, ये बेसिक का कोई भी एक और एडिशनल का या तो एक या कोई भी नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर ये बेसिक में से कोई भी ना सर्टिफाई करे तो ये क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सो आप लोग समझ चुके होंगे कि इंडिविजुअल 3 तरह के होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट। सो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है नहीं है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का जिसने रिक्वेस्ट किया था उसने ये भी रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बहुत बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।